हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा 12th के परसेंटेज के बेस पे। जैसे अभी 2020 में ना, जब पिछले बार नेक्स्ट ईयर में इसके पहले जब 2020 में एडमिशन हुआ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में, तो यहाँ पे 12th के मेरिट बेस पे 12th में जितना परसेंटेज आया था ना उस बेस पे यहाँ पे एडमिशन हो गया कि कितना परसेंटेज था उसी बेस पे। और इसके पहले 2020 के पहले मान लीजिए 2019 में, 2018 में, 17-16 ऐसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें होते थे। इस ईयर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस हैं, और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के चांस हैं ये मतलब आपको ये ना कंफर्म कैसे होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, तो कंफर्म 100% कुछ नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, ना आपको भी कंफर्म है ना मुझे भी कंफर्म है। तो कंफर्म कब होता है, जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक आ नहीं जाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर आपका 12th के परसेंटेज के बेस पे होगा, तब तक कोई कुछ 100% नहीं बता सकता। बट लेकिन एक अनुमान आप भी लगा सकते हैं और मैं भी। तो इस ईयर क्या है, इस ईयर कोविड की वजह से पिछली बार जो हुआ था वो 12th के परसेंटेज के बेस पे हुआ था, तो इस साल अभी तो कोविड का एकदम सही चल रहा है, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, कॉलेज स्कूल सब ओपन हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस हैं 2021 में। तो 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये देख लीजिए कितने गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट KGMU जो नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे 100% गवर्नमेंटेड है, और इसमें जितने भी और कॉलेज इंक्लूड हैं ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं, एफिलिएटेड इसी से जुड़े हुए हैं, बट फीस थोड़ा महंगी है, समथिंग में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है फ़ीस। और KGMU की अगर बात करेंगे तो वहाँ से 40-45 हज़ार ही फीस है। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ यहाँ पे आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो और जो क्वेश्चन इंग्लिश जो पेपर का लैंग्वेज होगा ना वो ओनली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलेगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेगा, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी एकदम कन्फर्म कर लीजिएगा। और जो ये जो पेपर नहीं होता है ये ऑफलाइन मोड पहले पेपर होता था, तो इस ईयर तो ऑनलाइन भी होने के चांस रहेंगे, तो अभी तो ऐसा कंफर्म भी नहीं है, ऑनलाइन होगा तब भी सही है, ऑफलाइन होगा तब भी सही है। तो पहले ऑफलाइन होते थे और 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, नो निगेटिव मार्किंग, और 180 मिनट मीन्स आपको 3 घंटे का समय मिलता था। ये देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th एंड 12th में जो आप पढ़े होंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, 11th और 12th में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने क्वेश्चन बचते हैं उतने टोटल यहाँ से आते हैं, तो 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा, और यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, और ये सब उसके सिलेबस हैं, सिलेबस की एक वीडियो बनेगी और उसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अभी तो आप NCERT फॉलो करेंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरा इसका प्रॉस्पेक्टस है, ये तो आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या है, और इसमें मिनिमम 17 ईयर्स एज आपका होना चाहिए, मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए, तो ये आपका हो गया 45% मिनिमम होना चाहिए, 40% कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, जैसे OBC SC ST, तो 45% मिनिमम 12th में आपका परसेंट होना चाहिए, जो कि अब रहता ही है। तो ये चीज़ हो गया, और इसमें चलिए अब ये देख लेते हैं कि कब ये फॉर्म आने के संभावना है। तो ये मान के चलिए आपका अभी ये क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर में, जैसे अभी 13 को ना ये क्या है आपका नीट, जैसे ही नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तैसे ये मान के चलिए अभी ये सितंबर में आपके लास्ट वीक में आपका फॉर्म आ सकता है, सितंबर में, या फिर
अक्टूबर में फर्स्ट वीक मतलब 15 तारीख से पहले ये फॉर्म आ जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आपके पास तो अगर समय की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात, केजीएमयू में अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है 2021 में, तो ये समझिए आपके पास एकदम समय तो नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भी अप्लाई करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके पूछे जाते हैं। तो थोड़ा कंपटीशन तो बेस्ट है, हार्ड भी है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए समय अभी जो भी बचा है एक दो महीने, एकदम ये समझिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी होगा। तो ये चीज़ है। और भी जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे अभी जेएसबीएम कानपुर या सीपीनेट सेफ इटावा, तो ये सब कॉलेज अभी हैं, वहाँ पे भी ये कोर्स किए जाते हैं। तो एक बार चैनल पे मेरे ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मैं अच्छे से कराता भी हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कराता हूँ। तो आप लोग चैनल से इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो ये सब पूरा था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट।